हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक और टाइटल और थंबनेल देकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही चुके होंगे। जब तक कि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हैं कि भाई ये वर्ड बड़ा अजीब वर्ड है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या वर्ड है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये हमारे खुद की कंट्री से तो रिलेट ये नहीं कर रही है, लेकिन आज जिस कंट्री से रिलेट कर रही है वो भी आपने आइडिया लगा लिया होगा। हम आज बात करेंगे लेंस जेमा के बारे में। दिस इज ए फैंटेस्टिक वर्ड, बट एक प्रोसेस है। क्या है? स्विट्जरलैंड में होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि यूँ समझो कि स्विट्जरलैंड के हर एक जगह से, हर एक टाउन से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और बेसिक सी बात है कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, जो वहाँ पे कैंटन वर्ड को यूज़ किया जाता है, डेफिनेटली किसी टाउन या विलेज के आधार पर इसको यूज़ किया जाए। जैसे जस्ट लाइक आप जैसे टाउन की बात करें या विलेज की बात करें, तो स्विट्जरलैंड में कैंटन होते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को आगे से पहले भाई वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि इस तरह की बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में बहुत ही छोटे छोटे कैंटन्स होते हैं, यानी कि विलेज टाउन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जहाँ कोई निर्वाचित विधायक नहीं होता है, यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव है जिसको इलेक्ट किया जाता है, बेसिकली वो नहीं होता है। वहाँ सभी वयस्क नागरिक, जो अडल्ट वहाँ पे सिविलियंस है, जो सिटीजन है, जो 18+ है, अडल्ट हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, 18+ जो व्यक्ति होते हैं वो अडल्ट होते हैं। तो वयस्क नागरिकों की जो सभा होती है, जो असेंबली होती है, उसको लेंस जेमा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक असेंबली में जो लोग होते हैं, जो इकट्ठे किसी नंबर्स में वहाँ पर जो एडल्ट लोग होते हैं, जिनको मत देने का अधिकार होता है, जो चुन रहे हैं किसी चीज़ को, तो बेसिकली वो जो सभा होती है उसको लेंस जेमा कहते हैं। लेकिन केवल एक कैंटन और चार आधे कैंटनों को मिला करके लेंस जेमा कैंटन कहा जाता है। अब ये कैंटन कौन कौन से हैं? कहने को ये कहा जाता है कि पहले 8 कैंटन हुआ करते थे, लेकिन इनकी संख्या घट गई है। तो इसमें कुछ कुल मिलाकर के 5 ऐसे कैंटन हैं जो आप वीडियो में यहाँ पे देखोगे, और बहुत ही अमेजिंग इनके व्यूज प्लेस हैं। शायद कभी इन फ्यूचर में भाई जाने का आप लोगों में से किसी को मौका मिले, मेरे को मौका मिले, और देखने की जगह तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो पे। सबसे पहले ग्लेरस कैंटन, दूसरा है यहाँ पर ऑब वॉल्डन का आधा कैंटन, फिर है निडा वॉल्डन का कैंटन, फिर है एपेंजल का कैंटन है, फिर इसके बाद है एपेंजल इनर रोडस, ठीक है। एपेंजल भी वहाँ पे दो हैं, एक आउटर है और एक इनर है। तो ये 5 मिला करके कम्प्लीटली लेजमा को क्रिएट करती हैं। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? अब इसको एक रेपॉर्ड नाम के एक थिंकर है जिन्होंने इसको खोल, इसमें क्या होता है देखिए, दरअसल वे सभी नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार है, वे हर साल अप्रैल और मई मंथ में किसी ऐतिहासिक स्थल पर, यानी कि जो भी स्विट्जरलैंड का हिस्टोरिकल जो भी प्लेस है, वहाँ पर ये सारे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ खुले में यानी कि ओपनली ही जो कैंटन होते हैं वो सरकार का चुनाव करते हैं, वहाँ पे वो कानून बनाते हैं। हर नागरिक से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वो इस सभा में शामिल हो, पर व्यवहार में मतलब सारे नहीं हो पाते, लेकिन 50% लोगों की उपस्थिति से ही काम चलाया जाता है। लोग सुबह ही सुबह दूर दूर जगहों से, अलग अलग जगहों से स्विट्जरलैंड की, वो सभी वहाँ पर सभा स्थल पर पहुँचने शुरू हो जाते हैं, और सभा की जो अध्यक्षता है वो सरकार का अध्यक्ष करता है, तो होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सभा को एक तरीके से मतलब होस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको एक्चुअल में लेंस जेमा कहा जाता है। यदि कोई अति आवश्यक सभा खुले में न करके उसके स्थान पर चर्च के भीतर भी की जा सकती है, वो तब होता है कि भाई ऐसा मौसम खराब हो जाए या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जाए, भाई तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो ऐसे में चर्च के अंदर वो सभा की जा सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ अर्जेंट हो जाता है, कोई अर्जेंट वर्क करना होता है, तो वो लेंस जमा साल में कभी भी बुलाई जा सकती है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टिकुलर जो ऑफिशियली जो मंथ इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ कि अप्रैल और मई के जो महीना होता है उसमें हम ये सभा ऑर्गेनाइज कराएंगे, बाकी जो इमरजेंसी होती है उसमें वो कभी भी उसको बुला सकते हैं, ठीक है। इस खुलेआम लोकतंत्र का जो श्रेय है वो सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड के जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं को जाता है, क्योंकि निवासी जो हैं वो जितने ज़्यादा अवेयर होते हैं, कंट्री उसी तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। लेंस जेमा में मत जो होता है, जो वोट दिया जाता है, वो हाथ खड़े करके दिया जाता है। कई बार जैसे अपेंजल आउटर की बात करें, उनमें जनसंख्या 10,000 है, तो खुली सभा में हाँ या ना कहने वालों की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, बहुत ही टिपिकल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कैलकुलेटर्स होते हैं भाई, होते हैं ना कुछ ऐसे पर्सन जो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ लगभग कितनी मेजोरिटी में लोगों ने
हाथ खड़े किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं और उनके निर्णय को आमतौर पर चुनौती नहीं दी जाती। ठीक है, तो इस खुलेआम लोकतंत्र की सफलता का श्रेय स्विट्जरलैंड में उनके नागरिकों को जाता है। सभाएं बड़े नियम और गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित की जाती हैं, इनके पूरे डिसिप्लिन से आयोजित की जाती है। लैंडजेमा के नेशनल जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका गौरव है, जो उनका प्राउड है, वो जनता अच्छी तरह समझती है। तो स्विट्जरलैंड के हर भाग से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को भी 20th सेंचुरीज के इस डेमोक्रेसी में एक अनोखे दृश्य को देखने के लिए ज़रूर लाते हैं, ताकि उन्हें बता सके कि हमारे कंट्री में भाई हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, कैसे नियम कानून बनते हैं। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है, ये बाकायदा वो उन्हें अपने साथ ले जा करके चीज़ें दिखाते हैं। तो ये था पूरा लैंडजेमा, जो एक प्रोसेस जो कि स्विट्जरलैंड में ये कराया जाता है, और वहाँ के हर छोटे छोटे कैंटन जो हमने यहाँ पे बताए वो भी, और उसके अलावा भी और बहुत हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप यू, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए शायद ये वर्ड नया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो आपके आपको लेकर मतलब, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी थी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।